हेलो स्टूडेंट्स, बिरला स्कूल आपका स्वागत करता है। आज हम सभी क्लास फोर्थ के कार्य पत्रिका 25 अशुद्धि संशोधन का अध्ययन करेंगे। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला, वाक्य अशुद्धि के कोई दो कारण लिखिए, यानी कि वाक्य अशुद्धि के दो कारण कौन से होते हैं वो हमें लिखना है। तो सबसे पहला कारण होता है उच्चारण की अशुद्धता और दूसरा वर्तनी की अशुद्धता। क्वेश्चन नंबर टू दे रखा है, मुझे स्वादिष्ट मीठा आम खाया। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, एक गलत दे रखा है। जब इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या होगा, मैंने मीठा आम खाया। थर्ड है, वाक्य की अशुद्धि को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर वाक्य की अशुद्धि को पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ख दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर क्या बनाना है, गोला बनाना है। ये चार दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से जो राइट है उस पर क्या करना, गोला बनाना। तो संतरा, ये सारे दे रखे हैं, इसमें से सबसे राइट कौन सा, ये तो संतरा के ऊपर हमने क्या किया, गोला बना दिया। सेकेंड, स्कूल दे रखा है, अब इन सारे स्कूल में से सबसे राइट कौन सा है, ये राइट है तो स्कूल के ऊपर हमने क्या किया, गोला बना दिया। प्राणी, इनमें से राइट कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, ये है प्राणी तो हमने यहाँ पे क्या किया, गोला बना दिया। ग क्वेश्चन है, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, हमें क्या करना है, ये अशुद्ध शब्द दे रखे हैं इन्हें शुद्ध करना है। त्योहार गलत दे रखा है, शुद्ध क्या होगा, त्योहार। ये विद्यार्थी भी गलत लिख रखा है तो हमें इसे सही करना है, तो ये होगा विद्यार्थी, ऐसे लिखेंगे। कृपया ऐसे लिखेंगे, ये शुद्ध शब्द हो गया। परीक्षा, ये अशुद्ध है, सही किया तो परीक्षा कैसे लिखते हैं, परीक्षा। ये भी गलत दे रखा है, उदाहरण। और कवि भी गलत दे रखा है, राइट कौन सा होगा, ये कवि। क्वेश्चन नंबर घ दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा, ये गलत दे रखा है तो इन तीनों में से राइट कौन सा है, ये आशीर्वाद राइट है, ऐसे लिखते हैं इसलिए ये राइट। सेकेंड, लकड़ी का शुद्ध रूप क्या होगा, लकड़ी तो राइट कौन सा है, ये वाला, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टिक कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।